जाने में लगा था मात्र 6 मिनट और अभी हो चुका है 10 मिनट और अभी तक हमने सिर्फ आधा ही रास्ता कवर किया है और अभी आधा दूर जाना है। ये लोकेशन में ना दोस्त लोग को लेके पिकनिक करने तो एक दिन जरूर आएंगे। मतलब क्या लोकेशन है यार, देख रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना कैसा लोकेशन है। एंड आई होप कि ये जगह का हालत पलानी फॉल के जैसा ना हो, बिकॉज जब हम पलानी वाटरफॉल गए थे वो बिल्कुल भी अनएक्सप्लोर्ड था। बहुत कम कोई थे जिनको उस वाटरफॉल के बारे में पता था, क्योंकि मेरा वीडियो आया था पलानी फॉल का, वो सबसे पहला वीडियो था यूट्यूब में। उसके बाद से वो फॉल ऐसा फेमस हुआ, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो के चक्कर में बहुत सारे रांची के, एक सेकेंड यार सांस नहीं आ रहा है, हाँ तो बहुत सारे रांची के पेजेस ने उस वाटरफॉल को प्रमोट किया था। तो ऐसे करते करते वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था एंड लॉकडाउन का टाइम चल रहा था एंड पतरातू तो लोग आते ही रहते हैं, पतरातू से वो बहुत ज़्यादा नज़दीक भी था, इसलिए भी वो वाटरफॉल बहुत जल्दी फेमस हो गया। लेकिन वो जो फील था ना पलानी वाटरफॉल का, जो अनएक्सप्लोर्ड वाले वर्जन में था, जो कि मेरा वीडियो देखोगे तो पता चलेगा, वो फील अब नहीं आता, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल हो गया है, रास्ता बन गया है, सीढ़ी बन गया है, बहुत सारे लोग जाते हैं। एंड जो कि ऐसा ट्रैक करने का जो मजा था ना वहाँ पे, कि पहाड़ों के बीच से हम लोग ऐसा ट्रैकिंग करके जा रहे हैं पलानी वाटरफॉल तक, तो उसका एक अलग मजा था, वो मजा अब खत्म हो चुका है, बिकॉज वहाँ पे अच्छा रास्ता बन चुका है। हाँ मैं मानता हूँ यार रास्ता वास्ता बनाना जरूरी है, बट कुछ जगह या कुछ वाटरफॉल ऐसा होता है ना जो कि अपने नेचुरल स्टेट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसका नेचुरल स्टेट जो था ना वो खराब कर दिया गया। ऐसे कैसे तैसे भी करके हम लोग ऊपर तक पहुंच चुके हैं, बाइक हमारे यहाँ पे खड़ा है और अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, पतरातू डैम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पतरातू डैम और पतरातू घाटी। अब यहाँ से निकलते हैं, ये बॉटल हम लेके आए थे, अभी यहाँ पे फेंकेंगे नहीं, इसको कहीं पे जाएंगे उधर डस्टबिन में डाल देंगे। और ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, ऐसे भी यार जगह को स्वच्छ रखना हमारे ही हाथों में। तो ये अच्छा लोकेशन है यार पिकनिक करने के लिए दोस्त लोग के साथ, और अभी 2-3 महीने के बाद न्यू ईयर भी आने वाला है, तो 2021 को वेलकम तो हम करेंगे ना भाई कहीं ना कहीं जाके, तो कभी ना कभी हम इस लोकेशन में ज़रूर आएंगे। तो फाइनली अभी हम लोग रोड में निकल चुके हैं एंड यही वो जगह था जहाँ पे हम लोग अंदर घुसे थे, अभी चलते हैं हम लोग पतरातू के तरफ। पतरातू डैम देख सकते हो, बोटिंग भी हो रहा है अभी, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, काफी अच्छा लगा यार ये चीज देख। यहाँ पे भयंकर भीड़ है, इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ होगा, और यहाँ पे एक हॉर्स राइडिंग भी होता है, तो ये चीज यहाँ के लिए नया था थोड़ा। हॉर्स राइडिंग करने का तो मन था लेकिन पता नहीं मेरा वेट हॉर्स ले पाता या नहीं ले पाता, अबे यार क्योंकि हॉर्स थोड़ा बहुत पतला दुबला लग रहा था मेरे को, इसलिए मेरे को रिस्क नहीं लेना था। मैंने रजत को बोला कि हॉर्स राइडिंग कर ले तुम, लेकिन ये भी नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? जाओ भैया, अच्छा आजकल 2 kg का डंबल मार रहा है, याद है ना 2 kg का डंबल, बेचारे का एनर्जी डाउन हो जाता है ना तो बोलता नहीं, एनर्जी डाउन हो जाता है बोलता है। हम बोलते हैं देखो मेरा एनर्जी डाउन, सुबह एक रोटी खा के आते हैं हमको पता है, ठीक है BTS में मेरा एनर्जी डाउन है, लेकिन जब कैमरा हाथ में आता है ना उस समय एनर्जी वापस आ जाता है। एक रोटी खाएंगे फिर भी ब्लॉग बनाएंगे। एक बार यहाँ का 360 व्यू देखो, पीछे डैम है और यहाँ पे देखो इतने सारे लोग हैं। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारा एक्टिविटीज़ है, खास करके बच्चे लोग के लिए,
एक तो पीछे ट्रैम्पोलिन देख सकते हो, ये तो मेरा ख्वाहिश है यार, कभी जिंदगी में मैं ट्रैम्पोलिन में जरूर कूदूंगा। एंड यहाँ पे बोटिंग वोटिंग भी कर सकते हो। जब मेरा 1 मिलियन कम्प्लीट होगा ना, तेरे को मैं एक कार गिफ्ट करूंगा, पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ। अभी अगर ब्लॉग में बोल दे रहे, ठीक है? कार कौन सा होगा मालूम है? ये वाला देख, बोले नहीं यार, ये चलने लग गया, मर्सिडीज है यार, सीरियसली मर्सिडीज है। देख अरिस, अरिस इसका सिनेमैटिक तो बनता है यार। तो यहाँ पे हम जितना भी बार आए हैं, एक भी बार हम बोटिंग नहीं किए हैं, जस्ट बिकॉज कि बोटिंग बहुत ज्यादा महंगा है यार, 350 रुपए लेता है। तो जब कभी ग्रुप के साथ आएंगे ना, तभी हम जाके बोटिंग करेंगे। एंड अभी जितना भी बोटिंग हो रहा है ना, वहाँ पे लाइफ जैकेट्स नहीं है, तो इसलिए भी थोड़ा सा डर लगता है यार। लाइफ जैकेट है लेकिन सब वो यूज़ नहीं करते, इस वजह से थोड़ा डर लगता है भाई साहब यहाँ। बट कोई नहीं, एक दिन हम यहाँ पर भी बोटिंग करेंगे, है कि नहीं? ओके, सो फाइनली ये व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर जरूर से करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने फैमिली का ख्याल रखो, और व्लॉग्स देखते रहो। हट मच्छर। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हंस क्यों रहा है? अबे सर पैक